और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार के सहयोगी पर 8.7 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने पीयूष जैन को गिरफ्तार किया। पीएमएलए कानून में हुई पीयूष जैन की गिरफ्तारी। कांतिनगर बरीपाक निवासी परमचंद जैन का पुत्र है पीयूष जैन। पदमचंद जैन को जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। पीयूष के बैंक खातों ने खोला है भ्रष्टाचार के लेन देन का राज। पदमचंद जैन व महेश मित्तल का सहयोगी बताया जा रहा है पीयूष जैन। पीयूष जैन पर है अधिकारियों को काम निकलवाने के लिए रिश्वत देने के आरोप। पद्मचंद जैन की श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और महेश मित्तल की फर्म श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी से संबंधित कार्यों के लिए पीयूष सक्रिय रहा है। ईडी के विशेष अदालत में पेश दस्तावेज के अनुसार दोनों ही फर्मों ने फर्जी दस्तावेज से जुटाए पीएचईडी से करीब 900 करोड़ के टेंडर। श्री श्याम ट्यूबवेल को पीएचईडी से मिला 136.41 करोड़ का भुगतान, तो श्री गणपति ट्यूबवेल को मिला 367.56 करोड़ का भुगतान। केस जारी के अध्ययन के बाद ईडी की विशेष अदालत ने पीयूष जैन को जेल भेजा है। जज सुनील रडवान ने 18 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा के आदेश दिए हैं। इस मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता आजाद शत्रु मीना हुए हैं पेश। वहीं पीयूष जैन के अधिवक्ताओं ने जमानत याचिका पेश की। 7 मार्च की होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, बेहद अहम ये मामला और जिस तरह से खुलासा हुआ है, जेल भी भेजा गया है तो जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी, इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मिसयूज किया गया और किस तरह से ये पूरा घालमेल रहा। देखिए, ये पूरा मामला जो जल जीवन मिशन योजना है, इसमें भ्रष्टाचार से संबंधित जो आरोप उस समय के सांसद किरोड़ीलाल जी मीणा ने लगाए थे उससे जुड़ा है। सांसद किरोड़ीलाल जी मीणा ने उस समय 20,000 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ईडी इस मामले में कुछ 70 के आसपास ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। 11 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अभी ईडी जब्त कर चुकी है। इस मामले में ईडी की पहली गिरफ्तारी गुरुवार को हुई थी, जिसमें जो ये मिस्टर पीयूष जैन है, जो एसीबी की ओर से इस जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले के अंदर जो पदमचंद जैन जिनके फर्म श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, इस फर्म के जो संचालक थे पदमचंद जैन, इनका लड़का है ये पीयूष जैन, जिसको ईडी ने पीएमएलए कानून में गिरफ्तार किया है। ईडी की ओर से जो ये मामला अन्वेषण किया गया है, उसमें जो इन्होंने बैंक खातों का जो विश्लेषण किया है, उसमें करीब 8.7 करोड़ रुपए के आसपास की ऐसी विड्रॉल है जिन विड्रॉल को ईडी संदिग्ध मानता है। और यह माना जाता है कि इस राशि का उपयोग जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले के अंदर रिश्वत के रूप में किया गया था। जो पीयूष जैन जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर आरोप ये भी है कि ये ईडी ने ये जो पीयूष जैन था, ये मिस्टर पदमचंद जैन और इनके जो सहयोगी हैं मिस्टर महेश मित्तल, इनके फर्म है श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी, इनसे संबंधित जो पीएचईडी के काम थे, इन कामों को निकलवाने में मदद करता था। और इस मदद को प्रभावित करने के लिए, इस मदद के अगेंस्ट में ये जो पीएचईडी के अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, उन लोगों को पैसा देता था, रिश्वत देता था। ये पूरा मामला है, इसका विश्लेषण अभी ईडी कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो ईडी की पहली गिरफ्तारी पीयूष जैन की हुई है, उसको आज अभी ईडी की विशेष अदालत है, इसके न्यायाधीश सुनील रणवा ने 14 दिन की न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया। 18 तारीख तक ये न्यायिक अपेक्षा में रहेगा, लेकिन इससे पहले 7 तारीख को इसकी ओर से जो जमानत याचिका पेश की गई है, उसके ऊपर सुनवाई होगी। जी श्वेता जी, चलिए बहुत शुक्रिया विमल जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो पीयूष के बैंक खातों से ही लेन देन का पूरा खुलासा हुआ कि किस तरह से यहाँ पर हेरा फेरी की गई और 900 करोड़ के टेंडर लेने में ये कामयाब रहे। लेकिन अब जिस तरह से लगातार जांच जारी है, पूछताछ हो रही है, एक के बाद एक कड़ियां खुल रही है, गिरफ्त में आ रहे हैं ये सभी आरोपी।